हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय मजूमदार। वेल, बहुत दिन बाद आप लोगों से फिर आप लोगों के सामने मैं आया हूँ। और आप लोगों के रिक्वेस्ट था कि मेरा काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया, तो आई थॉट वेल आई विल जस्ट पोस्ट समथिंग फॉर यू ऑल। वेल, आज का जो मुद्दा है या टॉपिक है वो है कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आर्ट एंड विजुअल आर्ट, बिकॉज कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जब तक नहीं होगा तो आर्ट रिच नहीं होगी। You know, it's always there. Like when Picasso traveled to Africa, he got that, you know, African influences in his art, and his art became precious. Well, जब हमारे artists भी विदेश जाते हैं, वहाँ से influences लेके आ जाते हैं, या ये amalgamation होना बहुत जरूरी है। It's not that, you know, Western or Eastern or anything of that. You know, in the global platform, you have to always get. Keep your doors open to, you know, influx of culture. But culture dumping jo ho rahi hai, that's the most important thing. You know, pressurizing a culture on someone else's culture, that's something which we are going to talk about today, which hardly people ever thought about and talked about. Because Western country ke ek nature rahi hai hamesha ki har cheez jo purani ho jaye, ईस्टर्न कंट्रीज या अनडेवलप्ड कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डंप कर दिया जाए। एंड दिस पीपल आर लेस, आई मीन ये क्या कर लेगा, लाइक सॉर्ट ऑफ इन लोग को आर्ट क्या पता, इन लोग को कुछ नहीं पता है। यू नो, दिस इज द एटीट्यूड विद विच दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर्स कल्चर। यहाँ पे हमें काफी एक सख्त किस्म की एक मतलब हमें होना है आर्टिस्टों को कि इन्फ्लुएंस तो ले, इन्फ्लुएंस क्यों नहीं हो। डेफिनेटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ सदियों से आया हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से इंडियन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। ये एक पता नहीं कितने हजारों वर्षों से हमने इन्फ्लुएंसेस एमलगमेशन हुआ है। जब अलेक्जेंडर आया था तभी शायद कुछ कल्चर डेफिनेटली वहां से उठा के लेके आया होगा, या हमारे कल्चर वहां गया है, इजिप्शियन कल्चर आया हुआ है। सो दैट इज नॉट द इश्यू, यू नो। But, you know, something which I cannot accept myself, I think that is what I want to talk about today. That, you know, putting, imposing culture on you. You know, वहाँ जो हुआ है आज, वही copy paste करके यहाँ बनाना. That is something very ridiculous, according to me. और आज ये बहुत, बहुत ज़्यादा हो रहा है. When I see, look at, suppose, performing art, like, you know, dance, music, movies, well, Bollywood, why not? Yes, best topic, Bollywood. Bollywood में सबसे पहला वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर बॉलीवुड ने इतना अच्छा से संभाला है, हमारा कल्चर को कहीं उड़ने नहीं दिया है। आज बॉलीवुड बिकम्स अ सिग्नेचर टू द ग्लोब। नाउ अगर देखें तो हॉलीवुड इज कॉपिंग बॉलीवुड। They have those hagras, they have those, you know, kind of dresses, they are trying to put bindis. Now Madonna is also doing a show with bindis and saris and all that. That is called real cultural amalgamation. But whereas visual art, they have just imposed on us. You know, this is very ridiculous. Because हमारे यहाँ किसी को पॉप के बारे में पता नहीं है, पॉप आर्टिस्ट बन गए। यहाँ किसी को मॉडर्निज्म के बारे में पता नहीं है, मॉडर्न आर्टिस्ट बन गए। अरे कल्चर में जियो तो सही, आपने जिया नहीं जिस कल्चर में, आपने तुरंत उठा के कैसे बना लिया है? दैट इज माई क्वेश्चन। इन्फ्लुएंसेस हो या आपने अच्छी ढंग से उसको अमलगमेंट किया हो और हमारा अपना कल्चर को रीच किया हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now I'll go to another very small topic, that's new media work. आज हर जगह पे आपको सुनने मिल रहा है new media work। अरे new कितना दिन रहते हैं ये मुझे बताया। एक iPhone 15 दिन के बाद एक नया मॉडल निकलता है तो बोलते हैं कि अरे यार पुराना मॉडल है, ये नया मॉडल है। तो 1960 में कंप्यूटर 60-70s के अराउंड आया हुआ है। उसके बाद जेरोक्स मशीन या फोटोकॉपी मशीन, ये भी हमारा आ चुका था। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स डेविड हॉकनी के अगर नाम लिया जाए तो उन्होंने भी कर लिया था, वेस्टर्न कंट्री में बहुत पहले कर लिया था ये सारे चीजें। आज यहाँ पे इंडिया में 30 साल बाद उसी चीज को
दौड़ाया जाता है और उसको प्रमोशन किया जा रहा है उस टैग आर्टिस्ट को जो वो सब चिपकाने वाली वीडियो बनाने वाली काम कर रहे हैं। इसमें कोई नयापन तो है ही नहीं। ये नयापन होगा जिन्होंने कभी अब्रॉड गए नहीं है। The people who are always traveling, they know what it is. You know, you can't fool everyone. तो ये जमाना चला गया है। हमारे जो आर्ट क्रिटिक है उनको ये सोचना चाहिए और ये आर्ट क्रिटिक को आज समझना चाहिए कि वी आर इन ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड हम अब विदेश में जो चल रहा है हमें तुरंत पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वहां के चीजों को अपने कॉपी पेस्ट कर दिया तो हमारे यहाँ का काम बन गया। इवन सब लेट मी टेक अप डांस, वेस्टर्न डांस। वेस्टर्न डांस का जो फॉर्म है वो अगर इंडियन डांसर डांस करते तो मैं देखता हूँ 10 में से 3 स्टेप कम से कम माइकल जैक्सन का आ जाता है, मगर 7 तो इंडियन है। तो आप जब काम करते हो, आप व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग, यू नो, यू आर मेकिंग योर आर्ट, यू आर मेकिंग योर विजुअल, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट इज इंडिजिनस। इसमें हमने कुछ किया तो है, ये ना लगे कि कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ है। So even the art critic, the gallery should understand one thing. Maybe a big flow of money coming from outside to just, you know, promote this kind of art. But we Indians now it's a hard time, you know. It's a tough time. अब वो दिन नहीं रहा। अब days are changing. Every second the days are changing, and we have to walk with new trend. And that new trend, we will become the trendsetter. We don't want any Western country people to put their influences and impose us and make, you know, a funny thing which the globe is going to laugh around ki ek inferior art jo generate ho rahi hai yahan pe. To hamari yahan kabiliyat hai, हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट है, सिर्फ प्रमोशन की गलती चल रही है। ये बात नहीं है कि अच्छा आर्टिस्ट नहीं है इंडिया में काम करने वाला, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है। जो प्रमोशन हो रही है वो हो रही है कुछ गलत आर्टिस्ट की। तो ये आर्टिस्ट को ही संभालना पड़ेगा। इट्स नॉट द गैलरिस्ट, इट्स नॉट द आर्ट डीलर्स, वी आर्टिस्ट हैव टू रिवोल्ट। रिवोल्यूशन जो आना चाहिए वो आर्टिस्ट से ही आना चाहिए। हम अगर एक टिश्यू पेपर को आर्ट मानने से मना कर दे तो कल मैं बताऊं एटीवी बीटीवी जीटीवी ईटीवी कोई टीवी इससे मानने को तैयार नहीं होगा अगर 100% आर्टिस्ट इस एजुकेशन में आ जाए तो। कितना दिन बंदर बनाओगे आप लोगों को? एक लिमिटेशन तो होती है और आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो किस पे, समझिए। करो एक पेप्सी का बोतल रख दिया, एक बैलून रख दिया, या रस्ते से कुछ मिल गया सड़क से, अरे मिक्स मीडिया वर्क हमें मत सिखाया क्या करो। सिंगल मीडिया में काम करने वाले वेस्टर्न्स थे। हमारे यहाँ मिक्स मीडिया सदियों से हो रहा है, इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ सदियों से हो चुका है, आज का कोई नयापन नहीं है इसमें। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई आर्टिस्ट फ्रेंड्स, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली एज आर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।